हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पे। इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं जीके के 20 क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपका पहला प्रश्न, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ऑप्शन है ए हाथी की, बी ट्रैक्टर की, सी लाल किला की, डी अशोक स्तंभ की। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, च्युइंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए कैंसर, बी पीलिया, सी शुगर, डी याददाश्त। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ याददाश्त, ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी ऊंट। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ मछली, संसार में सबसे अधिक मछलियों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर फोर, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ विटामिन सी, चना में पाया जाता है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि चना में प्रोटीन भी पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी राइन नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक की, ऑप्शन बी सिंध बैंक की, ऑप्शन सी महाराष्ट्र बैंक, ऑप्शन डी पंजाब बैंक। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। क्वेश्चन नंबर एट, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ मनुष्य के खून में लौह धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी जैवलिन थ्रो, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? ऑप्शन ए 1 रुपये, ऑप्शन बी 2 रुपये, ऑप्शन सी 3 रुपया, ऑप्शन डी 5 रुपया। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि 3 रुपये खर्च आता है 10 रुपये का सिक्का बनाने में, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा को, ऑप्शन बी झारखंड को, ऑप्शन सी गुजरात को, ऑप्शन डी राजस्थान को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड को, भारत का कोयले का भंडार कहा जाता है, सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी चीता। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ऑप्शन ए 22 मार्च 2020, ऑप्शन बी 23 मार्च 2021, ऑप्शन सी 25 मार्च 2019, ऑप्शन डी 20 मार्च 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 2020। तो
ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कोविड के टाइम की डेटा के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 14, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये क्रिकेट लवर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर जाएगा नई दिल्ली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई साहब, हम गुलाम हो गए, पूरा भारत गुलाम रहा, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य जो गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गोवा कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? ऑप्शन ए लड्डू, ऑप्शन बी जलेबी, ऑप्शन सी समोसे, ऑप्शन डी रसगुल्ले। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वो है जलेबी। आई नो गर्मा गर्म जलेबी खाने में कितना मज़ा आता है, आप खुद जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन डी सऊदी का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। 19 क्वेश्चन, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीटेट का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है, सीटेट का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 270 डिग्री उल्लू आउल अपना सिर रोटेट कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2002 में। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 2008 में।